हैशटैग बॉयकॉट मालदीव्स एंड गो टू लक्षद्वीप आइलैंड्स इज ट्रेंडिंग ऑन सोशल मीडिया, पर हम इंडियंस को मालदीव्स क्यों नहीं जाना चाहिए? इंडिया आउट एंड इंडियन मिलिट्री आउट, उनके न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू ने कहा है कि इंडियन मिलिट्री को बाहर फेंक देंगे। पर अचानक से ये इंडिया फर्स्ट पॉलिसी फॉलो करने वाली मालदीव्स गवर्नमेंट एंटी इंडियन क्यों हो गई? ये वीडियो एंड तक देखना और पसंद आए तो प्लीज लाइक और फॉलो भी कर लेना। 1988 में जब यूएसए, यूके, पाकिस्तान, श्रीलंका, सिंगापुर कोई खड़ा नहीं था मालदीव्स के साथ, ऑपरेशन कैक्टस से इंडियन मिलिट्री ने मालदीव्स प्रेसिडेंट की जान बचाई और कंट्री का एग्जिस्टेंस, फिर हो गई मालदीव्स में इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। 2018 में इंडिया ने मालदीव्स को 11,630 करोड़ दे दिए अपने सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। मालदीव्स की टोटल जीडीपी 50,600 करोड़ है, यानी 25% मालदीव्स की जीडीपी में भारत का कंट्रीब्यूशन है। 2020 में कोविड पेंडेमिक के वक्त इंडिया ने मालदीव्स को 8,300 करोड़ रुपए दिए और 6.3 टन के मेडिकल सप्लाईज और एड। बट इंडिया इतना क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर चाइना इंटरेस्ट लेने लगा मालदीव्स में तो मालदीव्स को लोन देके खत्म कर देगा और अपना उस देश में से मिलिट्री स्टैंड भी चला जाएगा। सच बताऊं ना तो ये एंटी इंडियन सेंटीमेंट जो मालदीव्स में चल रहा है ना, एक पॉलिटिकल ड्रामा और पॉलिटिकल एजेंडा है। देयर आर टू पार्टीज इन मालदीव्स जो ज्यादातर इलेक्ट होके आती है। नंबर वन मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी जो प्रो इंडियन है, और द सेकेंड पार्टी इज प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स जो कि प्रो चाइनीज गवर्नमेंट है। 2023 में प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स एक एंटी इंडियन सेंटीमेंट दिखा के इलेक्शन जीत गई। क्यों? क्योंकि 5.2 लाख लोगों का ही देश है और सिर्फ 5 न्यूज चैनल है, तो लोगों को इन्फ्लुएंस करना बहुत ही आसान है उधर। अब आ जाते हैं टूरिज्म पे। मालदीव्स में हर साल 17 लाख लोग विजिट करते हैं, उसमें से 2,10,000 तो इंडियंस ही है। अगर लक्षद्वीप की बात करें तो साल में अभी 1 लाख टूरिस्ट विजिट करते हैं, पर लैंड डेवलपमेंट एक्ट के तहत अब इंडियन गवर्नमेंट लक्षद्वीप आइलैंड्स में डेवलपमेंट कर रहे बिग रिसॉर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स एंड वेकेशन एंड टूरिज्म एक्टिविटीज, एंड द टूरिज्म इज गोइंग टू बूम अहेड। 1,170 करोड़ का बजट इंडियन गवर्नमेंट ने इश्यू किया है, जिससे लक्षद्वीप आइलैंड्स का डेवलपमेंट फर्दर होता रहेगा। अभी हमने रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी विजिट करते हुए लक्षद्वीप देखा और वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी करते हुए देखा। लक्षद्वीप इज गोइंग टू बी ह्यूज। इससे क्या हुआ, 3,400 टाइम्स इंटरनेट पे लक्षद्वीप की रिसर्च बढ़ गई। कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आप लक्षद्वीप अभी ट्रैवल करना पसंद करेंगे या मालदीव्स। मैं एक इंडियन हूँ और मेरी चॉइस क्लियर है। फॉर मोर सच डेटा ओरिएंटेड कंटेंट एंड इन्फॉर्मेशन वीडियोज फॉलो मोटाबाई लाइक्स ऑन इंस्टाग्राम।